अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एक ही पंप में एसी मोटर और डीसी मोटर किस तरह से फिट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपने बुश वाले पंप पे डीसी मोटर लगा सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास बुश वाला पंप है और इस पर डीसी मोटर लगी हुई है, तो यहाँ पे हम बुश वाले पंप को चलाएंगे और इसके ज़रिए जो है पानी छत की टंकी पे भी भरेंगे और नीचे वाले टंकी पे भी भर के आपको दिखाएंगे कि इसके एम्पेयर कितने होते हैं। बैरिंग वाले पंप पे तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है जिसपे मैंने डीसी मोटर लगा के आप लोगों को दिखाया है। आज खास तौर पे एक पंप पे दो मोटर को सेट करने के तरीके पर हम बात करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले मोटर के स्टैंड को देखना होता है। ये देखें, ये जो स्टैंड लगा हुआ है ये ऊपर से पट्टी वाली स्टैंड लगी हुई है। एक स्टैंड दूसरे टाइप का होता है, उसमें मोटर में जो है पट्टी वेल्ड की हुई होती है। ये देखें, हमारे पास ये दूसरी डीसी मोटर है और इसे भी एसी मोटर के साथ सेट किया गया है, लेकिन इसका जो स्टैंड है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए इसमें जो है सेटअप थोड़ा दूसरा बनाया गया है। इसमें जो है दो एंगल पट्टी को वेल्ड करके यहाँ पे लगाया गया है, यानी मोटर के अपने फाउंडेशन के साथ ये एंगल पट्टी लगा के उसके ऊपर ये डीसी मोटर फिट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ हमने बिल्कुल ही ईजीली तरीके से इसको लगाया है, सिर्फ इस बोल्ट को हमने लूज़ किया है। लूज़ करके ये पट्टी का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को हमने मोटर के स्टैंड के नीचे लगा दिया है। बस ये पट्टी क्योंकि काफ़ी मज़बूत है, इसमें लचक नहीं है, इसे हमने नीचे से दबा दिया। मोटर का जो स्टैंड है उसी के नीचे हमने इस पट्टी को रख के ऊपर से इस बोल्ट को टाइट कर दिया है, तो इससे ये मोटर अपनी जगह पे फिक्स हो गया है और हिल भी नहीं रहा है। और ये मोटर थोड़ी सी आगे की तरफ है, तो इसे हम अपनी मर्ज़ी से इधर से इस मोटर को लूज़ करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टैंड में आप इस तरह से जुगाड़ करके इसे अपने एसी मोटर के साथ फिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरा स्टैंड है तो फिर आप ये जैसा कि दूसरा मोटर है इसे भी आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह का जुगाड़ करके आप अपने डीसी मोटर के साथ इसे फिट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई फिटिंग की। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बुश वाला पंप है और ये पुराने मॉडल का पंप है, कोई नया पंप भी नहीं है, और इसमें डीसी मोटर हमने लगाया है। तो अब हम डीसी मोटर को चला के इसके एम्पेयर को चेक करते हैं कि ये हमारे बुश वाले पंप में इसके एम्पेयर कितने होते हैं। वैसे इसके मैक्सिमम एम्पेयर जो है 8 से 10 होते हैं इस मोटर के, और ये सबसे हेवी वाली मोटर है। इस पर हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारे दोस्त जो है मुझसे ये मोटर मंगवाते रहते हैं। अगर आपको भी ये मोटर चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस मोटर की प्राइस इस वक्त 4,000 रुपये है। इसे हमें चलाने के लिए सिर्फ बेल्ट को चेंज करना होता है, एसी मोटर से बेल्ट उतार के डीसी में लगाना होता है। ये देखा, हमने एसी मोटर को ऑन कर दिया है और इसके ज़रिए हमने वाल वगैरह यहाँ सेट किए हुए हैं, जहाँ चाहे हम पानी भर सकते हैं। तो अब हम इसे बंद करते हैं और डीसी मोटर को लगाते हैं। दोस्तों, अब हम इस बेल्ट को उतारेंगे और डीसी मोटर पे बेल्ट लगाएंगे। इसमें 40 नंबर का बेल्ट लगा हुआ था, ये इस मोटर की जो बेल्ट पुली है वह थोड़ी बड़ी है, और इसमें हम 38 नंबर का बेल्ट लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 बेल्टें रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, डीसी मोटर में बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें छोटी बैरिंग लगी हुई होती है। अगर इस पर आप बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी मोटर की जो बुश है या शाफ्ट है वो कट सकती है, जिसकी वजह से मोटर में ख़राबी पैदा होगी। तो आपने बेल्ट को नॉर्मल टाइट रखना है। नॉर्मल टाइट का मतलब ये होता है कि जब आप इसे हाथ से इस तरह से दबाएँ तो इसमें थोड़ा पिले हो, इस तरह से दब जाए। अगर आप बेल्ट लगाते हैं और बेल्ट बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है तो उस सूरत में आप इस बेल्ट की जगह कट वाला बेल्ट इस्तेमाल किया करें। तो अब हम इसे चलाते हैं और इसके एम्पेयर को चेक करते हैं। ये देखें, हमने मोटर को ऑन कर दिया है और हम टैंकी से पानी खींच के टैंकी में ही भर रहे हैं। तो अभी हम इसके एम्पेयर को चेक करते हैं। ये देखें, हम बुश वाले पंप पर ये मोटर को चला रहे हैं और इस वक्त जो है ये मोटर 12 एम्पेयर ले रही है। वैसे बैरिंग वाले पंप पे हम ये मोटर चलाते हैं तो इस मोटर के एम्पेयर 10 से 11 होते हैं। इस वक्त हमने कोई ज़्यादा इस पे लोड नहीं दिया हुआ है, टैंकी से पानी खींच के टैंकी में ही भर रहे हैं। अब हम पानी को ऊपर चढ़ाएंगे और इसके एम्पेयर को चेक करेंगे कि इसके एम्पेयर कितने होते हैं। ये तो कन्फर्म हो गया है कि बैरिंग वाले पंप की जगह अगर हम बुश वाले पंप में इस मोटर को चलाते हैं तो 1 से 2 एम्पेयर ये मोटर ज़्यादा लेती है। ये देखें, टैंकी जो है यहाँ छत पर बनी हुई है और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो ये देखें, यहाँ से पाइप उतर रही है और ये देखें, ये पाइप जो है टैंकी में जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा दूर का फासला है। तो अब हम इस मोटर के ज़रिए इस टैंकी को भरते हैं और चेक करते हैं इस मोटर के एम्पेयर कितने हैं और क्या ये मोटर लोड उठाती भी है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस वाल्व को पहले खोलेंगे और नीचे वाले वाल्व को बंद करेंगे।
ये हमने पानी ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया है और आप देखें यहाँ पे इसके एम्पियर बढ़ते जा रहे हैं। मोटर की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। और छत वाली टैंकी में भर रहे हैं। इस मोटर के एम्पियर तकरीबन 16-17 तक जा रहे हैं। और अगर हम इसका पैमाइश का नाप लें कि ये टैंकी कितने ऊपर बनी हुई है, ये पाइप कितने ऊपर जा रही है, तो तकरीबन 24 से 25 फीट का फासला है। ये यहाँ से ये छत 12 फीट पे है और तकरीबन 12 फीट आगे पाइप है, तो तकरीबन 24 से 25 फीट का फासला यहाँ हाइट पे है और तकरीबन यहाँ से भी 25 फीट है। ये टोटल यहाँ से आप देखेंगे यानी तकरीबन 50 फीट के फासले पे हम पानी भर रहे हैं। 25 फीट हाइट है और तकरीबन 25 फीट लेंथ है। तो इस वक्त मोटर के एम्पियर जो हैं 15 से 16-17 ये हैं एम्पियर। अगर हम इसी बैटरी के ज़रिए इस मोटर को चलाकर पानी छत की टैंकी में भरते हैं तो अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो उस सूरत में मेरे ख़्याल में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये मोटर चलनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको ये क्लियर किया है कि ये मोटर कितने एम्पियर लेती है। इसे हम बुश वाले पंप पे भी चला सकते हैं। बुश वाले पंप पे चलाने से 1 से 2 एम्पियर का इजाफा हो जाता है। उसके अलावा इस मोटर के ज़रिए हम तकरीबन दूसरी मंजिल पे पानी आसानी से भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्पियर का फ़र्क नहीं होता है। और अगर आपके पास छोटी बैटरी है इस तरह की तो आप इस बैटरी के ज़रिए भी पानी छत के ऊपर भर सकते हैं। अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि क्या हम डीसी मोटर को डायरेक्ट सोलर पैनल पर चला सकते हैं 1 या 2 पैनल पर? तो जी हाँ, चला सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप चला सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जो है धूप सही तरह से नहीं होती है, जिसकी वजह से मोटर जो है स्टार्टिंग नहीं लेती है। बेहतर तरीका यह है कि आप इस तरह की एक छोटी सी बैटरी ले लें और एक सोलर पैनल ले लें और सोलर पैनल को बैटरी से कनेक्ट करके आप डीसी मोटर को 4-6 घंटा आराम से चला सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल मिस्टर रजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।